हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है और बनाना बहुत ही आसान है। और ये बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाता है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक। तो चलिए फटाफट से हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी को अभी गर्म करने के लिए रखा हुआ है कढ़ाई में। तो इसमें हम डालेंगे पालक। यहाँ पर एक गड्डी पालक हमने लिया है, इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था और धोकर अच्छी तरीके से इसका पानी हमने निचोड़ लिया था। और इसको हम गर्म पानी में इस तरीके से डुबो देंगे। और ये देखिए पालक जो है थोड़ी सी सॉफ़्ट हो चुकी है, तो पालक को अब हम थोड़ा सा ढक कर 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा बॉईल आ चुका है, तो हमें पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये देखिए इस तरीके से हम पालक को निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे और फिर इसको हम प्यूरी बना लेंगे। तो एक दूसरे कढ़ाई में हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े गर्म मसाले, जैसे कि जीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च और जीरा। और यहाँ पर 2 प्याज हमने लिया था, इसको हमने स्लाइस में कट कर लिया था। इसको हम तेल में डालकर अच्छी तरीके से इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज को हमने फ्राई कर लिया, गोल्डन ब्राउन हमारे प्याज हो चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 किलो मटन हमने यहाँ पर लिया था। तो मटन के पीसेस को हम प्याज के साथ चलाते हुए अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। लगातार ही चलाते रहेंगे जब तक के मटन का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, तब तक इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। और मटन को जब भी भूनकर बनाते हैं, तेल में फ्राई करके बनाते हैं, तो मटन जो है बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हैं मटन का कलर जो है अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है और हमारे प्याज भी हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, यह होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है। और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट घर पर कैसे बनाएं। आप चाहें तो आई बटन में एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से चलाते हुए भून लिया है। इसको हम अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो है अच्छी तरीके से भून चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे होम मेड गर्म मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सारे मसालों को भी हम अच्छे तरीके से चलाते हुए भून लेंगे मटन के साथ, अच्छे तरीके से भूने ताकि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छा है मसालों की। तो हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है, तो हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं और अब अच्छी तरीके से मटन के साथ हमारे मसाले जो है वो पक जाएँ और मटन भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो अब मटन को गलाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट। और अगर आप चाहें तो इस मटन को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। कच्चे पपीते का पेस्ट हमने इसलिए डाला है ताकि मटन जो है अच्छी तरीके से गल जाए। तो ढककर हम इसको 30 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और एक तरफ हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून तेल गर्म करेंगे, दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं जब तक कि हमारा मटन पक रहा है। तो इसमें हम डालेंगे पालक की प्यूरी, जो पालक को हमने ठंडे पानी में रखकर उसको हमने निचोड़ लिया था और इसका पेस्ट हमने इस तरीके से बना लिया था। तो तेल में हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो पालक को ऐसे भी मटन में डाल सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से अगर भूनकर डालेंगे तो पालक का जो टेस्ट है, स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। तो आप भी इस तरीके से भूनकर पालक ज़रूर डालें। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और यहाँ पर मटन को हम चेक कर लेंगे। मटन हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे पालक, जो हमने इस तरीके से भून कर रखी हुई थी, पालक को हम इस तरीके से डाल देते हैं।
अब पालक को हम अच्छी तरीके से मटन में मिक्स कर देंगे इस तरीके से चलाते हुए। तो आप भी जब भी पालक गोश्त बनाएं तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार आप बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको अब हम ढककर 5 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि तेल जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाए मटन से। तो ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हमारा पालक गोश्त जो है वो सर्व करने को बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार है। तो चलिए हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पालक गोश्त को हमने सर्व किया है अदरक के लच्छों के साथ और हरी मिर्च जो कटी हुई है उसके साथ हमने इसको सर्व किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये पालक गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।